देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 मार्च को शाम को 19:28 यानी 7:28 पर यह समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर पर मौसम बदल रहा है तो नज़लें इत्यादि के रोग ना परेशान करें, उससे बचते हुए काम करें। शत्रुओं से थोड़ा चाल पहचानते हुए काम करने का प्रयास करें। लोग आपसे मन में ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सी जो नेगेटिव पब्लिसिटी करने के योग बना सकते हैं। अपने शत्रुओं से विशेष तौर पर परेशान आप हो सकते हैं। ऐसे में महासप्तमी का दिवस है, उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती के निमित्त आप पूजन भी करें तो उनके जीवन कल्याण के योग बन सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखें, 25 तारीख को विशेष तौर पर जो है कुष्मांडा चतुर्थी है, और उस दिन चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर कुष्मांडा जी का पूजन किया जाता है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो कष्ट होने के योग हैं, कुष्मांड का दान करें, सीताफल का दान कीजिए, वो बड़ा शुभ योग है आपके कष्टों को, पेट संबंधी रोग, अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए, पित्त संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए कुष्मांड का बलि देने से, कुष्मांड का दान करने से, यानी सीताफल का, हरे सीताफल का दान करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। कच्चे सीताफल का दान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है उस दिन, और आपकी राशि के अनुसार से ये करना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में जाकर 2-3 कुष्मांड वहाँ गाय को खिला दीजिए, देखिए बहुत शुभ होगा। ग्रहों का योग आयोग 2 दिन तक वृषभ राशि में चंद्रमा थोड़े से क्षीण है, लेकिन उसके बाद 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपके लिए नई उम्मीद जगाने वाले होंगे और आपके लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से बड़े शुभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। उस दिन भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाता है, और खासतौर पर देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न कर लेते हैं, उन ईर्ष्याओं को भी ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे से कोई हमारी विशेष तौर पे मिट्टी हटाए चला जा रहा है, और उससे हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाते हैं। तो उस दिन भगवती महासप्तमी के दिन भगवती कालरात्रि का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, और उनका विशेष तौर पर शहद के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, और विशेष तौर पर काली मिर्च के द्वारा उनके मंत्रों से आहुति दी जाती है। इससे कहा जाता है कि शत्रुओं की शत्रुता समाप्त हो जाती है। ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आश्रम पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है इस बार नवरात्र में, आप भी उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, और उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, उसमें आप जानकर फोन कर अपने पूरे आरक्षण स्थान करने के लिए भी व्यवस्थाएं जान सकते हैं। तो ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से है, देखिए आपके जीवन में कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और 30 तारीख को देखिए सुंदर नवरात्र का अंतिम दिन है, महानवमी है, महानवमी के साथ साथ रामनवमी भी पड़ रही है, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान राम का विशेष तौर पर पूजन करने का नियम रहता है। आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे, और चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि के अनुसार से थोड़े शीर्ण रहेंगे, बंधन के योग देते हैं। यदि किसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के साइन कीजिएगा। मैं कहूंगा वो एग्रीमेंट करने के लिए, कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई देता। वैसे तो कई बार रामनवमी का साया जो होता है, रामस्वामी जी का अंशुल साया कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के पदार्थ नए आरंभ करने के लिए कई बार पंचांग के अनुसार से बहुत लोग कहते हैं कुछ दिन भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ये समय आपके लिए पूरी तरह से शुभ नहीं है, इसलिए बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, और ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार के कष्टों को उदय कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बड़े शुभ स्थिति में बैठे हुए थे, आपके सम्मान की रक्षा कर रहे थे, आपके सुख का पदार्पण करा रहे थे, और इन सब चीज़ों में बृहस्पति जब सूर्य के साथ आ गए तो वो अस्त कर देंगे, उसके कारण से कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए बड़े सुंदर तरीके से पहले नवरात्र आए हैं, तो उनका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।